बड़ी खबर इस समय की बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किबुथुरु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस समय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन चल रहा है, सीधे वहां का रुख। नहीं होगी जहां गैस का सिलेंडर नहीं होगा और जहां पर रोजगारी के लिए अनेक प्रकार के नए कार्यक्रम शुरू नहीं किए होंगे। यहाँ पर सस्ती दवाइयां भी मिलेगी, सस्ता चावल भी आप तक, मुफ्त चावल भी पहुंचाया जा रहा है। इस सारी योजनाओं की 100% पूर्तता इस वाइब्रेंट विलेज के अंदर होगी। इसके साथ साथ वित्तीय समावेशन और आर्थिक अवसरों को बढ़ोतरी देने का काम भी होगा। फिजिकल और डिजिटल दोनों कनेक्टिविटी से गांव को बाकी के भारत के हिस्से, बाकी के अरुणाचल के हिस्से से जोड़ने का काम होगा। एनर्जी सिक्योरिटी को, एनवायरमेंट की सिक्योरिटी को भी सुनिश्चित किया जाएगा। पर्यटन और स्थानीय संस्कृति और स्थानीय भाषा को भी इसका संरक्षण और संवर्धन करते हुए ये गांवों को 100% रूप से अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाए, इस प्रकार के गांव हम बनाएंगे। इसका दूसरा लक्ष्य होगा पलायन रोकना। यहाँ पर रोजगारी की सारी सुविधाएं हम खड़े होंगे, निर्जन गांवों में पुनर्वास होगा। हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि कनेक्टिविटी के कारण पहले गांवों में आबादी घट रही थी, अब गांवों में आबादी बढ़ रही है और प्रभावित गांवों में पूर्ववत स्थिति प्राप्त करने का हमने 5 साल का लक्ष्य रखा है, जिसको मैं खुद गृह मंत्रालय में से हर महीने मॉनिटर करने वाला हूं और प्रधानमंत्री जी भी गृह मंत्रालय की बार बार पूछा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ तीसरा लक्ष्य है सीमावर्ती गांवों की मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पर पानी को रोककर पीने की पानी के स्रोत खड़े करना। Zee News.